इस लेक्चर में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण के लिए जो रे डायग्राम होता है, उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे। अगर वो वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर नहीं था तो इस वीडियो में जब मैं इमेज फॉर्मेशन करूंगा तब सारे रूल्स को एक साथ बताता जाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके पहले एक चीज देखिए, वो चीज ये है कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है ना, यानी कि वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होती है। तो ये बात याद रखिए, ऐसी इमेज जिसे अपन किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते, यानी कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, वो क्या कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। और ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन यानी कि पर्दे पर ऑब्टेन यानी कि प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये तो क्या हुई, जस्ट डेफिनेशन हुई, तो वो हमारे यहाँ इतना काम का नहीं। अब आप मिरर के बारे में गौर से एक चीज देखिए। देखो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिरर है, अब कोई भी तरह का मिरर हो सकता है, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, होना क्या चाहिए, मिरर होना चाहिए यानी कि दर्पण होना चाहिए। अब इसके सामने आप खड़े हो, ठीक है, और यहां पर आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, यानी कि आपका प्रतिबिंब बन गया। तो गौर से बताओ इसमें देखो हुआ क्या, एक तरह से मिरर ने क्या करा, मिरर ने क्या करा, दर्पण ने क्या करा कि जो इसके सामने था उसका एज इट इज पीछे की तरफ क्या कर दिया, एक इमेज बना दी। अब आप गौर देखिए, इन दोनों में से एक पार्ट क्या है, रियल पार्ट है, और एक पार्ट क्या है, वर्चुअल पार्ट। या तो ये रियल है या फिर ये रियल है, या ये वर्चुअल है या ये वर्चुअल, यानी कि ये या तो ये वास्तविक होगा या ये वास्तविक होगा, या ये आभासी होगा या ये आभासी होगा। अब आप गौर देखिए, जब आप मिरर के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, मिरर के फ्रंट में खड़े हैं, तो अपन जो है वो रियल वर्ल्ड है, और मिरर के जो पीछे की तरफ है वो सारा का सारा क्या है, वर्चुअल है, यानी कि आभासी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये बात, आप याद रखिए कि मिरर के सामने यानी के फ्रंट यानी के सामने वाली जो दुनिया होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, वास्तविक होगी। समझ आ गई थी, मिरर के सामने वाली जो वर्ल्ड होगा, जो सामने वाली जो दुनिया होगी वो क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा। लेकिन जो पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ है, जो कि सामने नहीं है, मिरर के पीछे की तरफ है, वो क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड है, यानी कि आभास। ठीक है, तो आभासी दुनिया है। तो देखो सीधी सी बात यह है कि जो भी मिरर के सामने होगा उसको अपन रियल बोलेंगे। अब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रियल, मिरर के सामने इमेज है तो इमेज रियल। कई बार ऐसा होता है कि इमेज जो है वो रियल हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल हो जाता है। देखो गौर से, जैसे मान लो कि ये मिरर है, ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप यहां खड़े हो, ठीक है, यानी कि ये क्या है, अपना रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यानी ये क्या है, वास्तविक वस्तु है। लेकिन अब इसकी ये क्या बन गई, इमेज बन गई, यानी कि एक प्रतिबिंब बन गया। जब इसका एक प्रतिबिंब बना तो ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई, यानी कि आभासी वस्तु। तो देखो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इसकी तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल हो जाता है। तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ठीक है, अब देखो एक लाइट रे इधर से आई और एक लाइट रे इधर से आई, मतलब एक प्रकाश किरण इधर से आई, एक प्रकाश किरण इधर से आई। अब देखो अब होगा क्या, ये टकराने के बाद इधर चली जाएगी, ये टकराने के बाद इधर चली जाएगी, ये इधर के टकराने के बाद, टकराने के बाद ये किधर गई, इधर गई। तो देखो यहां पर अब हुआ क्या, देखो अगर ये यहां पे नहीं टकराती तो ये वाली लाइन कहां जाती, इस तरफ, और ये वाली कहां जाती, इस तरफ जाती या नहीं जाती। अब हुआ क्या, देखो अब ये जो यहां पर बना ना, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट।
अब क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो इंसिडेंटिंग रे के, इंसिडेंटिंग रे जहां काटेगी एक दूसरे को, यानी कि आपतित किरणें जहां एक दूसरे को काटेगी वो ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो इंसिडेंटिंग रे एक ये थी, इंसिडेंटिंग रे एक ये थी, इन दोनों ने जहां काटा वहां पर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां है? अभी पीछे की तरफ मिरर की। अब ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे की तरफ है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है, यानी कि आभासी है। वस्तु कैसी है? ये आभासी है। समझ में आया? लेकिन देखो हुआ क्या, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब दो रिफ्लेक्टेड रे जहां काटेगी वहां तो क्या बनती है? इमेज। तो ये क्या बन गई? इमेज। अब इमेज जो है मिरर के सामने, ये देखो इमेज कहां है? दर्पण के सामने है। तो ये वाली जो इमेज है, ऐसी इमेज क्या कहलाती है? रियल इमेज कहलाती है, यानी कि वास्तविक वस्तु कहलाती है। तो देखो इमेज भी सामने हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? सामने हो सकता है। पीछे की तरफ इमेज भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो एक बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो ये है कि अगर प्लेन मिरर होगा, यानी कि अगर समतल दर्पण होगा, तो वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, और जो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी कि आभासी वस्तु की रियल इमेज, यानी कि वास्तविक वस्तु तो नहीं, वास्तविक क्या? प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहां समझ में आया चीज आपको अच्छे से कि जो भी सामने होगा वो क्या होगा? रियल होगा, और जो भी मिरर के पीछे की तरफ होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी। ठीक है, चलिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है कि रियल और वर्चुअल क्या होता है। अब रियल और वर्चुअल हो गया तो हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, और किसके लिए देखना है? सबसे पहले अवतल दर्पण यानी के कॉनकेव मिरर के। देखो सबसे पहली इमेज ये है, सबसे पहली कंडीशन केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी के वस्तु अनंत पर। ठीक है, तो देखिए क्या है कि देखो सबसे पहले आपके लिए क्या है कि अवतल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव मिरर है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर बैठा है? इंफिनिटी पर, यानी कि वस्तु कहां पर है? अनंत पर। अब क्वेश्चन है अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि इस स्थिति में अनंत का मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब यह है कि ऑल लाइट रेज आर पैरेलल, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली सभी प्रकाश किरण समांतर होती है। ठीक है, इंफिनिटी का और कोई मतलब नहीं होता। जब अपन बहुत दूर चले जाते हैं किसी भी चीज से तो अपन से निकलने वाली जो सारी लाइट रेज है वो क्या जाती है? एकदम सीधी जाती है, टेढ़ी नहीं जाती। अभी ऐसा कैसे होता है? ये जब धीरे धीरे आपको चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए इतना काफी है यहाँ पर। और देखो इधर आओ, देखो ये क्या है अपना कॉनकेव, ये अपना कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, यानी के यहाँ पर क्या होता है? फोकस। यहाँ पर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर कहीं पर बहुत दूर। तो देखो अब मैंने क्या बताया कि इन्फिनिटी पर जब होगा तब सारी की सारी लाइट रेज कैसी आएगी? पैरेलल। तो देखो एक लाइट रे इधर से आई और एक लाइट रे इधर से आई। ठीक है, मतलब क्या होगा? अब जब अपन आगे वाले केस पढ़ेंगे तब कोई लाइट सी से निकल सकती है, कोई एफ से निकल सकती है, कोई पी पे आके गिर सकती है, हर पॉइंट पे आके गिर सकती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, यानी कि वस्तु अनंत पर होगी, तो सारी लाइट जो होगी रेस वो एक दूसरे के भी पैरेलल होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी। सारी आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के भी समांतर होगी और मुख्य अक्ष के भी समांतर होगी। अब रूल नंबर वन ये है कॉनकेव मिरर के लिए, यानी कि अवतल दर्पण के लिए ये रूल है कि अगर लाइट रे पैरेलल यानी कि समांतर आती है तो यहां से टकराने के बाद कहां से निकलती है? एफ से। ठीक है, तो देखो ये वाली भी कहां से निकलेगी? एफ से, और ये वाली भी कहां से निकलेगी? एफ से। क्लियर आने की चीज।
अब क्वेश्चन है कि इमेज कैसे बनती है, तो याद रखिए रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती है वहां इमेज बनती है, यानी कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर जिस पॉइंट पर मिलेगी वहां क्या बनेगी, इमेज। तो देखो ये कहां पर मिली, एफ पर, कहां पर मिली ये, एफ पर, तो ये यहां पे अपनी क्या हो गई, इमेज। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब इस इमेज के बारे में अपन क्या क्या बता सकते हैं, गौर से देखो। तो देखो पहला पहला जो है पॉइंट वो है इसकी पोजीशन, यानी कि इसकी स्थिति। देखो कहां पर है, एफ पर, तो अपन क्या बोलेंगे, एट एफ, यानी कहां पर है, एफ पर। किसकी बात हो रही है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो देखो इमेज कहां पर बनी, एफ पर, ठीक है, दिख गई ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड क्या बात कह सकते हैं अपन इन इमेज के बारे में, गौर से देखो ये कहां है, मिरर के सामने, मिरर के सामने है। अब अगर कोई चीज मिरर के सामने होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, रियल, यानी कि वास्तविक। यानी देखो इमेज जो है वो एफ पर है और कैसी है, रियल यानी के वास्तविक, सामने आ गई ये दो चीजें। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, इसकी साइज कैसे। ठीक है, तो देखो अब तीसरा पॉइंट यहां पर एक साइज आएगा, ठीक है, तो देखो इसकी साइज कैसी है। देखो ये तो कोई है ही नहीं एकदम, क्या मिल रहा है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है, मुख्य एक्सिस से बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, पॉइंट साइज, यानी कि बिंदुवत, सामान्य पॉइंट साइज यानी कि बिंदुवत है इसकी से, मतलब पॉइंट के आकार का ही है। ठीक है, अब एक और चीज होती है वो ये है कि देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु ऐसे रखी हुई थी और इमेज अगर ऐसी बनती है तो उसको अपन कहते हैं इन्वर्टेड यानी कि उल्टे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी यानी कि वस्तु भी ऐसी है, इमेज भी अगर ऊपर की तरफ ही बने तो उसको अपन कहते हैं इरेक्ट यानी कि सीधे। अब पॉइंट साइज है तो कन्वेंशन से जो है, अब पॉइंट तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी किताबों में लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है, तो अपन उसी के साथ जाएंगे, तो ये कैसी होगी, इन्वर्टेड यानी के। ठीक है, तो देखो इमेज के बारे में अपन क्या क्या बातें कह सकते हैं, गौर से देखिए इमेज कहां बनी, एफ पर, कैसी बनी, रियल, रियल क्यों बनी, क्योंकि मिरर के क्या है, सामने, फिर इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी, और साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज है यानी कि बिंदु के आकार की। तो समझ में आया, ये पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट के बारे में क्या होती है बातें। ठीक है, तो अपने को सब कुछ ये चीजें वापस लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेकंड कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, यानी कि वस्तु सी से परे। ठीक है, अब सी से परे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, यानी कि सी व अनंत के मध्य। ठीक, जो ये है अपना कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है कि बिटवीन सी एंड इंफिनिटी और सी और अनंत के मध्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। चलिए ये अपना क्या है फोकस, ये अपना क्या है सी, ये अपना क्या है ऑब्जेक्ट है ए बी। अब अपना ऑब्जेक्ट जो है वो अपना आया है। अब क्वेश्चन है कि इमेज बनाते कैसे हैं, तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, दो इंसिडेंटिंग रे छोड़ो, दो इंसिडेंटिंग रे से कितनी रिफ्लेक्टेड रे आएगी, दो, वो दोनों जहां मिली वहां अपनी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। चीज ठीक है, तो देखो पहली रे हमेशा क्या करो कि ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के मुख्य अक्ष के समांतर में। अब देखो ये ऐसे सीधी गई, पैरेलल गई, तो देखो क्या होगा, मिरर से टकराएगी और फिर कहां से निकलेगी, फोकस,
निकल गई ये फोकस, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, सॉरी ये इंसिडेंटिंग रे थी, और ये कौन सी हो गई रिफ्लेक्टेड यानी आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण। अब क्वेश्चन है कि सेकंड रे कहां से भेजें, तो सेकंड रे भेजने के लिए क्या करो कि देखो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में कौन सा पॉइंट है सी। अब रूल क्या है कि अगर कोई रे सी से पास होके जाती है तो मिरर से टकराने के बाद वापस अपने पास रास्ते पर लौट के आ जाती है, मतलब ऐसे जाएगी टकरा के वापस एकदम ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ये ऐसे गई यहां टकराई और टकरा के वापस ऐसा आई, तो देखो इंसिडेंटिंग रे भी यही है यानी कि आपतित किरण भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। देखो तो देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ने कहां कट करा, यहां करा या नहीं करा, यहां पे कट। अब यहां पे कट करने के कारण अब अपनी इमेज बन गई ये। ठीक है, ये अपनी इमेज हो गई कौन सी, ए डैश बी डैश। समझ आ गई ये चीज कैसे हुआ। अब देखो इसके आगे अब हम देखते हैं क्या क्या बातें होगी इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहला बताओ कहां बना इमेज, बनी कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सी व एफ के मध्य, और सी और एफ दोनों के क्या बन रही है, ये इन बिटवीन कहीं बन रही, एकदम एकदम बीच में होना जरूरी नहीं है, मध्य का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, एकदम बीच में होने का जरूरी नहीं, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट बन सकती है। सेकंड अब देखो अभी भी क्या है, सामने है मिरर, इधर मिरर के सामने है, तो ये कैसी है, रियल यानी कि वास्तविक है। थर्ड देखो अब देखो ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, वस्तु तो ऊपर है, और ये कहां पर आ गया, नीचे, तो ये कैसी है, उल्ट यानी कि इन्वर्टेड। और अब साइज देखो, ये इतनी और ये क्या हो गई, छोटी, तो देखो इसमें साइज क्या होगी, लेस देन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से छोटी। शाम आ गई नहीं थी, ठीक, तो ये जो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, लेस होगी, यानी उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, उससे छोटा। ठीक है, तो देखो सेकंड केस क्या आया, ये क्लियर हुई चीज। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है कि When object is at C, यानी कि वस्तु C पर, यानी कि और when object is at C, वस्तु कहां पर हो, C पर, इसका मतलब कहां पर हो, center of curvature पर। ठीक है, तो ये आपका mirror, इस तरफ ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। ठीक, तो स्केलिंग होनी बहुत जरूरी है वरना आपका रिजल्ट जो है करेक्ट नहीं आएगा। तो ये ए ये बी, ठीक है, तो पहला रूल पैरेलल भेजो, टकराने के बाद कहां से आएगी फोकस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड आपतित किरण परावर्तित। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन है कि नेक्स्ट रे कहां से निकाले, तो देखो इसके जस्ट आगे कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, एफ, तो क्या करो आप एफ से निकालो। अब क्वेश्चन है कि एफ से निकालते हैं तब क्या होता है, तो एक बात याद रखना एफ के लिए रूल ये है कि जब फोकस से होके लाइट जाती है तो मिरर यानी कि दर्पण से टकराने के बाद पैरेलल हो जाए एकदम उल्टा। ठीक है, तो ये कहां से चली जाएगी, एकदम यहां से चली जाएगी। ठीक है, गई या नहीं गई यहां से, पैरेलल क्या हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि
यानी कि फोकस से हो क्या आएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि फोकस से हो गया आएगी तो मुख्य एक्सिस की क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। क्लियर हुई ये चीज? तो देखो अब कैसे बनी इमेज, ठीक है, अब कहां पे बनी, एक्स सी यानी कि सी पर। जो ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी कहां होती है, सी पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज आल्सो एट सी, यानी कि जब वस्तु सी पर होती है प्रतिबिंब भी कहां बनता है, सी पर। ठीक है, अगला फिर से क्या है, सामने की तरफ है यानी कैसी है, रियल यानी कि वास्तविक। क्लियर? उसके बाद कैसी है, इनवर्टेड उल्टी है या नहीं, ये तो लगा दो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। और अब गौर से देखो, जो ऑब्जेक्ट की साइज है इमेज की साइज क्या है, सेम, यानी कि साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के समान साइज। ठीक, यानी कि देखो जब सी पर होगा तब जहां ऑब्जेक्ट होगा वही इमेज होगी, ठीक है, वह रियल होगी यानी कि वास्तविक होगी, इन्वर्टेड होगी यानी कि उल्टी होगी, और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो ही क्या होगा, इमेज का साइज, जो वस्तु का साइज होगा वो ही क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा। क्लियर? तो कितने केस हुए, तीन। ठीक है, चलिए अगला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज यानी कि वस्तु, थोड़ा सा when object is between C and F, यानी कि वस्तु C व F के मध्य, यानी कि object कहाँ होना चाहिए, C और F के बीच में। अब धीरे अपन क्या कर रहे हैं, object को पास में डाल देता है। अगर पैरेलल आएगी, समांतर आएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब नेक्स्ट कहां से भेजे, तो इसके ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे कौन सा पॉइंट है, F। अब F से ही भेजो, ठीक है, यानी कि F से ही भेजो। अब F से अगर आएगी तो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल, यानी कि ऐसे ही समांतर। ठीक, और देखो ये दोनों ने कहां कट करा, यहां कट करा, तो ये अपना क्या बन गया, ए डैश बन गया अपना, ये डैश बी डैश। ठीक है, तो एकदम लाइन तो परफेक्ट तभी बनेगी जब आप स्केल से बनाओगे, हाथ से तो नहीं बन पाएगी। ठीक है, बताओ कहां बनी पहले इमेज, कहां बनी, बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे, और इसका एक और नाम क्या होता है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इसको अपन बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे भी कह सकते हैं। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सी के पीछे की तरफ है तो बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे। ठीक है, अगला बताओ, सामने की तरफ है तो कैसी है, ये रियल यानी कि वास्तविक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कैसी है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। ठीक है, अब आप देखो, ऑब्जेक्ट तो इतना, इमेज इतनी, यानी अपन क्या बोलेंगे, इस चीज को अपन कहते हैं क्या, इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है यानी के आवर्धित। ठीक है, इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड यानी के आवर्धित, बड़ी हो गई तो उसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड। अब नेक्स्ट केस क्या है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी के जो वस्तु कहां पर हो, एफ पर। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं पहले इंफिनिटी पर, फिर सी और इंफिनिटी के बीच में, फिर C पर, फिर C और F के बीच में, अब की बार कहां पर है अपना, ऑब्जेक्ट F पर है।
ठीक है, तो आप क्या करिए F पर ऑब्जेक्ट रख दो, रख दिया, तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्या यानी वस्तु क्या हो गई, A हो गई वस्तु, A भी ऑब्जेक्ट F पर। अब इसका इसके लिए इमेज फॉर्मेशन करना है, तो देखो पहला रूल तो बड़ा सिंपल है, क्या कि सीधा सा क्या करिए आप पैरेलल भेजिए, तो जब ये पैरेलल जाएगी तब टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इमेज फॉर्मेशन करते टाइम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट होता है पी वाला, सॉरी जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां से अपने को क्या करना है, रे को निकालना है। तो अपने अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, पी। तो देखो अब पी के लिए रूल क्या होता है, रूल ये होता है पी यानी कि पोल ध्रुव। तो इसके लिए रूल ये है कि जितने एंगल से लाइट आएगी यहां से उतने ही एंगल से जो है वो लाइट क्या हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, समझ आ गई ना। तो देखो क्या होगा, लाइट इधर आएगी और लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो समझ आया, तो अब ये दोनों लाइट रेज कहीं मिलती हुई नजर ही नहीं आ रही, कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही, और लगभग एक दूसरे के कैसे चल रही है, ये पैरेलल चल रही है, एक दूसरे के समांतर चल रही है। तो क्वेश्चन है कि इसका इमेज प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा एट इंफिनिटी यानी कि अनंत पर, यानी कि अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के लिए, तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर यानी कि अनंत पर, ठीक है। अगला, अभी भी बल तो सामने ही रहा, इंफिनिटी भी इधर ही है, तो ये कैसा है, रियल यानी कि वास्तविक, उल्टा। देखो अब लाइट इधर जाके मिल रही, तो यहां पर कहीं पे आके मिलेगी, तो है तो देखो अभी भी इस लाइन के नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, और कैसा बनेगा, अब की बात देखो बहुत दूर जाके मिल रहा है तो ये कैसा बनेगा, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड यानी कि अत्यधिक आवर्त, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये, हाईली मैग्निफाइड बनेगा, अत्यधिक आवर्त, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ यानी कि जब वस्तु कहां पर हो, एफ पर, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट केस क्या होता है, नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी यानी कि वस्तु एफ व पी के मध्य, यानी ऑब्जेक्ट कहां किसके किसके बीच में होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। देखो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये आपका ऑब्जेक्ट यानी कि ये आपकी वस्तु है ए भी, एक लाइट रे ऐसे, ये तो रूल फिक्स है, एक तो हमेशा क्या भेजिए पैरेलल भेजिए, समांतर कहीं पर भी हो, कहां से जाएगी ये, फोकस से, अब एक ऐसे पी पे डालिए और ये मिस्टेक हो गई, अब क्या हो रहा है कि देखो एक तो पैरेलल डालनी है यानी कि समांतर डालनी है, पैरेलल डालने के बाद वो कहां जाएगी, फोकस।
अब एक कहां डालिए, इसके आगे एक पॉइंट है FP यानी कि पोल। तो देखो पोल पे डालकर जितने एंगल्स आएंगे उतने एंगल से क्या होगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने पे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट, जितने पे आपतित होगी उतने में क्या हो जाएगी ये बराबर। अब देखो इस तरफ, देखो इस तरफ जाने पर दोनों जो रेज है उसके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो एक रे ये, एक रे ये, देखो यहाँ दूरी इतनी है, फिर दूरी क्या हो रही बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो मिलेगी किधर, कि देखो आप इसको भी पीछे बढ़ाओ और इसको भी क्या करो ऐसे पीछे बढ़ाओ, तो बढ़ाया तो ये यहां कहीं मिलेगी, तो ये जहां मिलेगी वहां आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो आपकी इमेज कहां बनी, वहां पर। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सामने क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो इमेज कहां बनेगी, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी, यहां पे परावर्तित किरणें मिलेगी। अब सामने की तरफ तो इसके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो जब दूरी बढ़ रही है तो कैसे मिल सकती है, नहीं मिलेगी। अब तो अपन क्या करते हैं, कैसी कंडीशन थी, तो पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर इस पॉइंट पे क्या हो रही है, मिल रही है। तो दोनों क्यों, देखो ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये अपनी क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, इस तरह से इमेज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो इमेज कहां कैसी बनी, अब देखो इमेज कहां पे बनी सबसे पहले, देखो इतना फॉर्म किया मेरा, इमेज कहां बनी, बिहाइंड मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे। समझ आ गई, ठीक, तो बिहाइंड मिरर यानी कि दर्पण के पीछे इमेज बनी, क्लियर हुई ये चीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसी बनी। अब देखो, अब ये क्या है, मिरर, ये मिरर के सामने वाला पार्ट ये, और ये कैसा है, बिहाइंड वाला पीछे वाला पार्ट है। तो देखो जब भी पीछे की तरफ दुनिया, देखो सामने वाली दुनिया रियल है तो पीछे वाली कैसी होगी, वर्चुअल, यानी अब की बार अपनी इमेज कैसी है, वर्चुअल यानी के आभासी। फिर अब देखो इस लाइन के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, इस लाइन के ऊपर ही क्या है, इमेज, यानी ये कैसी है, इरेक्ट यानी कि सीधी। लास्ट कैसी है बताओ, साइज क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, साइज क्या है इसकी, मैग्नीफाइड है यानी कि आवर्तित। मैग्नीफाइड क्यों है, आवर्तित क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो छोटा है ए बी, और इमेज जो है ए डैश बी डैश वो क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी। समझ आ गई चीज, तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। तो इसमें टोटल कितने केस हुए अपने, 5 to 6 केस हुए। तो आप क्या करोगे, सारे के सारे केसेस के लिए चार्ट बनाओगे, उसमें सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, टाइप यानी कि रियल और वर्चुअल, और एक और टाइप कौन सा, इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो इस तरह चार्ट बनाओगे और पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है।